जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। और जो आप प्यार सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इतनी परेशानी क्यों आती है हमारे जीवन में, क्या हमने ऐसा क्या किया है, हमारे से क्या गुनाह है। हम तो बहुत सरल हैं, सहज हैं, लोगों की मदद करते हैं, पर ये क्या कारण है जिससे कि हमें इतनी सारी परेशानियां झेलना पड़ती हैं। तो आज हम इसी विषय पर पूर्व विस्तृत रूप से बात करेंगे कि इतनी परेशानी क्यों आती है, क्या कारण है और इसके पीछे कौन कौन से रीज़न हैं। उन सभी को इस 3 मिनट के वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को मैं शुरू करूं और हमारी बात हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में आप भोलेनाथ का नाम लिखें, वीडियो को लाइक करें। और अगर अपनी कुंडली का आप मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और मुझसे बात आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय गंवाते हुए नहीं हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। परेशानी क्यों आती है, इतने परेशान हम क्यों होते हैं। सबसे पहली और मुख्य बात कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे वो दुनिया वैसी दिखाई देती है। अब ये मत समझिए कि आप परेशान हैं तो आपको दुनिया परेशान दिखाई दे रही है। यहाँ से बात ये शुरू होती है कि जब हम अच्छे व्यक्ति होते हैं तो वो बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। और बस लोगों का ये जो चयन है ना, विश्वास करने का आपका, इसी विश्वास को लोग धोखा देते हैं। आपने पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया लेकिन श्रेय और कोई ले गया। आपने किसी बिजनेस को या किसी चीज़ का सेटलमेंट अच्छे से व्यवस्थित करा और गुलाब जामुन और कोई खा रहा है। तो ये चीज़ जो होती है ना, वो हमारे अच्छे नज़रिए से होती है। और एक और बात उसमें ये है कि जो आप, जो कला आप में है, जो चीज़ें आप में है, वो आपकी अच्छाइयों की वजह से। और हम अच्छे होते हैं तो पूरी दुनिया को हम बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं। और बस एक सिंपल सी बात है कि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, ये एक बहुत रियल बात है। लेकिन हम अच्छे हैं और दुनिया पर हम अच्छे में जब विश्वास कर लेते हैं, उसका जो धोखा हो जाता है उससे हमारी कई परेशानियाँ खड़ी हो जाती है और कई बार इसमें हम बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो मुख्य बात दूसरी जो है, जो बुरा समय भी जो है वो व्यक्ति को निखारता है। अगर आपको जीवन में ख़राब वक्त नहीं आएंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे, ये नहीं सोच पाएंगे कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। लोगों, क्योंकि वक्त तो बीत जाता है लेकिन अच्छा या बुरा वक्त सब बीत जाता है, बस वो लोग और उनकी बातें याद रह जाती कि रियल हम जिन लोगों के लिए इतना सपोर्ट करते हैं, जिन लोगों के लिए जान देते हैं, जिन लोगों के लिए सब कुछ निछावर करते हैं, क्या वो हमारे उस ख़राब वक्त में हमारा सहायक सपोर्ट करेंगे या नहीं, या हमें किसी व्यवस्थित हाल में वो करना चाहेंगे या नहीं, या उसके बारे में सोचेंगे नहीं, या वो भी पल्ला झाड़ के निकल लेंगे। तो ये दूसरा कारण उसके पीछे ये है कि ख़राब वक्त व्यक्ति के जीवन का निखार कराता है। तो वो निखार का टाइम होता है, उसे जिए, उसमें चीज़ों को सीखें, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें और फिर आप आगे बढ़े। वो आपके एक सुनहरे भविष्य के लिए एक न्यू है, चाहे वो दिन कैसे भी हो। और इसमें एक सबसे मेन चीज़ होती है वो ईश्वर का जप। आप भगवान का नाम लेते रहें, बाकी सब चीज़ें आपके पक्ष में होती रहें।